आए, कहा रामपुर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी? मैंने कहा बिजली तो बहुत चमक रही है वहां, तो बहुत तेज से चमक रही है, बहुत अच्छे ढंग से चमक रही है। ये सब जब बिजली चमकती है ना, ये फालतू वायरस नहीं पैदा होते फिर उसमें, कोरोना वायरस उसी से पैदा होते हैं, गंदगी में ही पैदा होते हैं, अंधकार में ही पैदा होते हैं, और हम उसी को दूर कर रहे हैं। इस प्रकार की सारी चीजों को एक साथ सफाई का अभियान भी चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ सादान खान। आज मैं आपके साथ ऐसी खबर साझा करने आया हूं, यूपी की राजनीति बताने आया हूं, जो यूपी के आने वाले विधानसभा चुनावों पर अपनी बड़ी छाप छोड़ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा। हम बात कर रहे हैं आजम खां की। जी हाँ, वही आजम खां जो रामपुर से सांसद रहे। अपनी टिप्पणियों को लेकर भी वो हमेशा सुर्खियों में रहे, लेकिन तब तक समाजवादी पार्टी यानी यूपी में अखिलेश यादव की सरकार रही, तब तक आजम खां का परचम बुलंद रहा। पर जैसे ही बीजेपी सरकार यूपी में सत्ता पर काबिज हुई तो योगी सरकार ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबा दिया, जिसमें एक आवाज़ आजम खां की भी थी। जानकारी के लिए बता दें कि योगी सरकार के सत्ता में आते ही योगी सरकार ने विपक्षी नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी, जिसके तहत आजम खां पर 80 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें बकरी चोरी, मुर्गा चोरी, भैंस चोरी समेत पड़ोसी से हज़ारों की रंगदारी मांगने जैसे मुकदमे दर्ज किए गए। ये छोटे छोटे मुकदमे कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या कोई सांसद भैंस बकरी चोरी क्यों करेगा। बस फिर क्या था, योगी सरकार ने इन बेबुनियाद इल्ज़ामों को हवा दी और देखते ही देखते इन मुकदमों ने तूल पकड़ा और बात आ पहुंची आजम खां की गिरफ्तारी पर। लेकिन जब योगी सरकार को इससे भी सुकून नहीं मिला तो सरकार ने अपने बेबुनियाद इल्ज़ामों के हाथ आजम खां के परिवार पर भी पहुँचाना शुरू कर दिया, और फिर रामपुर कोर्ट ने आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीम फातिमा को जन्म प्रमाण पत्र मामले में गिरफ्तार किया, जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा था कि हम गंदगी साफ कर रहे हैं चाहे वह किसी भी रूप में हो। उन्होंने ये भी कहा कि रामपुर में बिजली बहुत चमक रही है, बिजली चमकती है तो फालतू वायरस नहीं पैदा होते। और क्या कुछ कहा सीएम योगी ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बलदेव सिंह बोला कि हमारे मंत्री आए, कहा रामपुर में बिजली आएगी कि नहीं आएगी? मैंने कहा जैसे पहले आती थी वैसी आएगी, वहां जा रही बिजली, और बिजली तो बहुत चमक रही है वहां, तो बहुत तेज से चमक रही है, बहुत अच्छे ढंग से चमक रही है। ये सब जब बिजली चमकती है ना, ये फालतू वायरस नहीं पैदा होते फिर उसमें, कोरोना वायरस उसी से पैदा होते हैं, गंदगी में ही पैदा होते हैं, अंधकार में ही पैदा होते हैं, और हम उसी को दूर कर रहे हैं। उस प्रकार की सारी चीजों को एक साथ सफाई का अभियान भी चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय देने के साथ साथ उस गंदगी को सफाई का भी एक अभियान है। किसी भी रूप में गंदगी हो उसका सफाया होना चाहिए, उसी का हिस्सा है ये। आपने सुना कि सीएम योगी ने क्या कहा, लेकिन वहीं एक बार फिर ट्विटर पर आजम खां की रिहाई की मांग उठने लगी है, जो कि हैशटैग रियल आजम खां की फैमिली से काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, जिस पर कई लोग अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे हैं कि क्या कोई इतनी गंदी राजनीति के लिए किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, फिर चाहे वो आजम खां हो या फिर झूठे आरोप में जेल गया कोई भी नेता। लेकिन फिलहाल इस मामले पर ना तो योगी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे यही साफ होता है कि गर्मी किसी की भी हो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। हम ये नहीं कह रहे कि आजम खां का गलत टिप्पणियां करना सही है, लेकिन किसी को झूठे आरोप में जेल भेजना कितना वाजिब है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार चुनाव में सपा की सरकार आ जाती है तो योगी सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।